कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौता है जिसे 29 जनवरी 2000 को पेरिस में आयोजित जैव विविधता सभा में अंगीकृत किया गया था तथा इसे 15 मई 2000 को कोलंबिया के कार्टाजेना में आयोजित कोप 6 के दौरान इसे स्वीकार किया गया था। यह समझौता मूल रूप से आनुवांशिक तरीके से सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को नियमित करने के उद्देश्य से किया गया था जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समझौते के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं कि यदि जेनेटिक बीज और पशु स्थानीय पर्यावरण एवं उत्पाद को हानि पहुंचाते हैं तो सदस्य राष्ट्र उस पर प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं। दूसरा पहलू है कि आनुवांशिक रूप से सुधारे गए उत्पादों के पैकेट में उत्पाद से संबंधित विवरण लिखना अनिवार्य होगा।